आज मेरे ख्याल से 70 साल के बाद आज कश्मीरी पंडित को खुशी मिली है। जो आज का निर्णय है मोदी सरकार द्वारा लिया हुआ है 370 धारा हटाने का, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और इसके लिए हम गदगद आज खुशी है और यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वी कॉन्ग्रेचुलेट द इंडियन कम्युनिटी एंड ऑल। जैसे दिवाली ईद महोत्सव बनता है, ऐसे 370 का भी महाउत्सव बनना चाहिए। आज एक्चुअली देश हिंदुस्तान इंडिया आजाद हुआ है। कि मोदी जी है तो मुमकिन है, ये बिल्कुल हम एक्यूरेट। अब हमें उम्मीद है कि अब हमारी कश्मीर की वापसी का रास्ता खुल जाएगा। मोदी सरकार ने इस तरह का एक स्टेप लिया जिससे ये कश्मीर का जो समस्या बार बार सामने आता था और कुछ लोग इसको एक्सप्लॉइट करते थे, कश्मीरी लीडर्स कुछ एक्सप्लॉइट करते थे, पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता था, आज वो सारा ठंडा हो गया मसला। अब कश्मीर के बारे में किसी को कोई हिम्मत नहीं है कोई बात करने की। ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। आज का दिन हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, कश्मीर के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर एक मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ जुड़ जाएगा। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए थी वो अब होगी, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम में आने के लिए 70 साल लग गए हमें। जम्मू या कश्मीर या लद्दाख में अभी तक डेवलपमेंट वैसा का वैसा है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। उल्टा क्या हुआ, कश्मीरी पंडित्स अपने ही देश में विस्थापित हो गए, माइग्रेंट्स बन गए। आजकल वो कैंप्स में या तो जम्मू में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है, एक उम्मीद जागी है कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, खुशी से रहेंगे। जैसे खुले माहौल में हम गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, वैसे ही मुझे लगता है एक दिन आएगा कि सारे लोग हैं, स्पेशली कश्मीरी पंडित्स की बात बता रहा हूँ, कि वो खुशी से रहेंगे और एक नया माहौल का उद्घाटन होगा। एक बहुत ही खुशी का माहौल है, जैसे एक होली दिवाली एक जो आती है, आज लगता है दिवाली आई है, क्योंकि हर कश्मीरी पंडित जो अभी विस्थापित है उसकी एक उम्मीद जागी है कि मैं अपने घर वापस जाऊंगा। जो मैं एक दिन 30 साल पहले ऐसे छोड़ के आया था, सारी प्रॉपर्टी ज़मीन सब छोड़ के आ गया, मेरे को एक उम्मीद जागी है मैं वहां जाके रहूंगा। तो ये एक उम्मीद है, मुझे लगता है थोड़ा समय ज़रूर लगेगा क्योंकि थोड़ा वहां माहौल अभी ऐसा उत्तेजित है, लेकिन थोड़े टाइम में ये सब ठीक हो जाएगा, वापस हम लोग अपने घर जाएंगे, एक नया उदय होगा, एक नया सूरज उगेगा और कश्मीर जो एक भारत का अटूट अंग है वो पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा।